जेई मेन 2023 का सेशन वन का एग्जामिनेशन जितने बच्चे दे रहे हैं पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे मेजर डाउट आ रहा है भैया एडमिट कार्ड कब आएगा। साथ ही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आपको जब एग्जामिनेशन पर जाओगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेके नहीं जानी है, तो हर चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एंड जितने भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आएँ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो आपका एडमिट कार्ड से पहले आपका अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आएगा। एंड उससे भी पहले अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो 12 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, आज रात्रि 12 बजे के पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अदरवाइज आप बाद में पछताओगे कि भैया मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 8 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप भी जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में बोला गया है एंड आपका आज 12 जनवरी हो गया है, तो आप मान के चलिए ये आपका 14 या 15 के आसपास, 15 के आसपास ही आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, या थोड़ा सा डिले होकर 16 तक आ जाएगा। एंड जब भी आएगा हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि भैया एडमिट कार्ड आएगा कब, तो एडमिट कार्ड लिखा हुआ है 3rd वीक ऑफ जनवरी में, तो आपका एग्जामिनेशन 24 तारीख से, मतलब 24 से लेकर 31 जनवरी तक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसे 21 या 20th तक आराम से आ जाएगा। एंड जब भी आएगा मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा, आपका काम है अपने पढ़ाई पे फोकस करना। अब दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि भैया हमें क्या क्या कैरी करना है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इन चीजों को आप जरूर कैरी करके लेके जाना। तो पहला अपना एडमिट कार्ड आपको कैरी करके ले जाना है। एंड काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया एडमिट कार्ड में प्रिंट ले, मतलब जो प्रिंट हम करवाते हैं वो कलर रहेगा या ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। आपका दोनों ही चल जाता है, बट आपका कलर मिल जाए तो बेटर रहेगा, बट ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाता है। दूसरा आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एडमिट कार्ड के अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जिसमें आपका थंब प्रिंट होता है एंड साथ ही में पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ अटैच करना है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो अटैच करना है वो आपका सिमिलर रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फोटो लगाया होगा, तो वो फोटो अगर आपके पास स्टिल नहीं है तो अपने पेरेंट्स को भेज के वो वाली फोटो सेम टू सेम निकलवा लीजिएगा। अगर वर्स्ट केस में नहीं मिलती है वो वाली फोटो तब आप दूसरी यूज कर सकते हैं, बट अगर वो रहेगा तो बेटर रहेगा, मेनली वही लगती है। दूसरी मेन बात कि जो थंब रहता है वो आपको वहां सेंटर पे जाके करना है या घर से करके जा सकते हो, तो आप दोनों चीज कर सकते हो, घर पे करके जाओगे तो बेटर रहेगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको ओरिजिनल आईडी आधार कार्ड लेके जाना है। काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया आधार कार्ड हम प्रिंट करवा के लेके चले जाएंगे पासपोर्ट साइज, तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो आपका ओरिजिनल आईडी आधार है वो लेके जाना है। काफी सारे बच्चों के पास आधार नहीं होगा एंड या तो आधार में उनका कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपको अपना क्लास ट्वेल्थ का, जो अपना क्लास ट्वेल्थ में आपको या बोर्ड के समय एडमिट कार्ड मिलता है वो लेके जा सकते हो। वो तो अभी नहीं मिला होगा क्योंकि आपका वो नहीं आया होगा, वो बच्चे जो अप्रैल में होंगे उनके लिए बेटर रहेगा। बट अभी आपको जो क्लास ट्वेल्थ में आपकी जो आईडी होगी स्कूल में आप जो लेके जाते होगे आइडेंटिटी कार्ड वो आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप 2 से 3 लेके जाइए, वहां लगती तो एक है बट एक्स्ट्रा में रखे रहिए तो बेटर रहेगा। तीसरा आपका आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं एंड वो ट्रांसपेरेंट, नहीं कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। एंड चौथी बात कि भैया पूछते हैं भैया मास्क वगैरह ला के जाना, तो आप ला के जाएंगे तो बेटर रहेगा। एंड एक और बात कि आपको पेन लेके जाना है नहीं लेके जाना है, तो आप पेन लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ सेंटर्स में वो पेन खुद देते हैं, मोस्टली में वो देते हैं, बट आप एक पेन लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड आपको कैरी क्या नहीं करना है, तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि भैया हमें राइटिंग पैड लेके जाना है नहीं लेके जाना, राइटिंग पैड आपको वहीं मिलता है A4 शीट, जितना आपको चाहिए उतना आपको वहां मिल जाएगा, तो उसको आपको लेके जाना नहीं है एंड वो अलाउ भी नहीं होता है। तीसरी बात फोन वॉच वगैरह लेके मत जाइए। एंड साथ में एक और ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। उसके साथ एक और बात कि आप सेंटर पे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं कि सेंटर पे थोड़ा लेट पहुंचते हैं एंड बाद में हड़बड़ाहट की वजह से आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होता। एंड एग्जामिनेशन में अच्छे जाने के लिए मेरा एक ये भी मानना है कि आप एक पेरेंट्स को जरूर लेके जाइए। एंड अगर आपका एग्जामिनेशन किसी और सिटी में पड़ा, अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया, जब आएगा तो कुछ बच्चों को किसी और सिटी में पड़ेगा, तो एक बार पेरेंट्स को जरूर लेके जाइए एंड एक दिन पहले उनसे बोल दीजिएगा कि वो सेंटर जाके जरूर देख लें। कई बार होता है काफी गाँव में होता है, काफी दूर होता है, तो हड़बड़ाहट में आपने जो पढ़ा हुआ है वो भी भूलने लगते हैं, तो ये चीजों को मतलब उस टाइम ऐसा हो कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे एंड आपको डायरेक्टली जाके एग्जामिनेशन देना है। तो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे लास्ट के टाइम में गलतियां जरूर करते हैं। एंड इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको और कौन से टॉपिक्स की जरूरत है। एंड मैं अब ये भी बताने वाला हूं कि आपको लास्ट के टाइम में करना क्या है। तो मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर आपका सिलेबस अभी कम कंप्लीट है तो आप लास्ट के टाइम में काम कीजिए, जितना आप रिविजन कर सकते हो उतना रिविजन करें। एंड साथ में जो जेई मेन के स्पेसिफिक टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके देख लेना। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करना एंड साथ ही में जितनी मैंने चीजें बताई, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड,
कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, वाटर बॉटल हो गया। एंड हाँ, एक चीज और है, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले हैं अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना। मैं ये भूल गया था, मुझे अभी याद आया, क्योंकि वहां पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मांगता है। एंड स्टिल किसी के मन में कुछ डाउट होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं हर बच्चे का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मिलता है अगले वीडियो में, सभी लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।